स्वागत है आपका आकृष डे टू एम चैनल पे। आज के हम बात करेंगे एनवीएस पीजीटी का कट ऑफ क्या रहेगा आंसर की देखने के बाद। तो फाइनली आप लोग सबने आंसर की यहाँ पे देख लिया है। आज के हम बात करेंगे एक्चुअल कट ऑफ के बारे में कितना रहेगा और सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। सिर्फ वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। आपके जितने भी कंफ्यूजन है वो सारी कंफ्यूजन वीडियो में दूर होने वाली है आपकी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पेपर का लेवल, उसके बाद हम आगे किस ऊपर चलते रहेंगे। पेपर का लेवल की उसका बात करते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पे, मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ आपको, थोड़ा समझिए चीज को। आप देख सकते हैं जनरल अवेयर में 10 नंबर के क्वेश्चन थे यहाँ पे, 10 मार्क्स के थे, और रीजनिंग एबिलिटी में 20 नंबर थे, 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, आईसीटी में 10 क्वेश्चन पूछे गए, टीचिंग में 10 क्वेश्चन पूछे गए। टोटल मार्क्स आपके 50 मार्क्स के आपके बनते हैं। अगर मैं बच्चों की बात करूं, जितना मेरे पास डाटा आया है गूगल फॉर्म के जरिए पता लगा है, गूगल मैंने जो पोल किया उसके तरह पता लगा है कि यहाँ पे जो बच्चों के बताऊं जीए में जो मार्क्स सही हुए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सही मार्क्स अगर मैं बताऊं यहाँ पे तो जीए में 4 से 5 क्वेश्चन ही बच्चों के सही हुए जनरल अवेयरनेस में। जी हाँ, रीजनिंग एबिलिटी में 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, इसमें से 12 या 10 क्वेश्चन ही बच्चों के सही देखने को मिले रीजनिंग एबिलिटी में। जी हाँ, 12 से 10 क्वेश्चन तक की सही देखने को मिले हैं। नॉलेज ऑफ आईसीटी की बात करो, नॉलेज आईसीटी में यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन, किसी किसी के यहाँ पे 3 से 4 तक भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात, टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर ठीक था, लेवल सही था, इसपे 5 से 6 के बीच अराउंड देखने को मिले हैं। अगर मैं यहाँ पे टोटल की बात करूँ, टोटल जो आखिर 50 में से एवरेज बच्चों की बात करूँ, 25 से लेकर 30 मार्क्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कितने मार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं? 25 मार्क्स से लेकर 30 मार्क्स तक अधिकतर बच्चों के यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, 25 से 30 मार्क्स, ठीक है। अगर आपके इन सब्जेक्ट में 50 में से 25-30 मार्क्स आ रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्यों अधिकतर बच्चों के इतने मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। आगे बात करता हूं, बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है, सर क्या कट ऑफ जो है 150 में से बनेगा या आउट ऑफ 130 में से बनेगा? तो कट ऑफ जो है फ्रेंड्स आपका 130 में से बनेगा, नॉट 150 में से। 150 में से क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपका 20 नंबर का यहाँ पे लैंग्वेज है जो हिंदी इंग्लिश में आपका बांटता है 10-10 नंबर के हिसाब से, इसको आपको अलग अलग क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, मतलब 4-4 नंबर आपके होने चाहिए, तभी आप इसमें पास हो पाओगे, क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो अभी कट ऑफ जो है 130 में से बनेंगी, आपको पता लग गया है, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे, मैं आपको वैकेंसी का अपडेट देता हूँ। वैकेंसी अगर थोड़ा सा नजर घुमाए आप यहाँ पे देख लीजिए वैकेंसी के बारे में, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैथ्स की वैकेंसी कितनी, यूआर में 13 वैकेंसी है, ईडब्ल्यू में 2 वैकेंसी है, बायोलॉजी में 18 वैकेंसी, केमिस्ट्री में 14 वैकेंसी, इकोनॉमिक्स 35 वैकेंसी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वैकेंसी कितनी कम है। अब इतनी कम वैकेंसी में कट ऑफ कितना रह सकता है वो हम आगे चलते हैं यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे स्पष्ट तरीके से। अगर मैं बात करूं ये बच्चों का जो मैथ सब्जेक्ट था यहाँ पे देख लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बच्चों का जो मैथ सब्जेक्ट था यहाँ पे, मैथ सब्जेक्ट में 80 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन आपका, 80 नंबर का पेपर हुआ आपका, ठीक है। तो इसमें अगर बात करूं मैं यहाँ पे जो बच्चे जो कैंडिडेट जो मैथ्स की मैथ्स पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो मैथ्स का अगर बात करूं पेपर का लेवल अच्छा आया था। जी हाँ, मैथ्स का पेपर का लेवल अच्छा आया था, यहाँ पे खुद उन्होंने खुद कहा है। उनके जो मैथ्स में मार्क्स बने 65 से लेकर 68 तक, एवरेज जो मैथ्स के जो टीचर है जिन्होंने जो मैथ्स पढ़ाते हैं उनके मैथ्स यहाँ पे देखने को मिले, 80 में से 65 से 68 के भी देखने को मिले हैं। अगर आप यहाँ पे 65 मार्क्स भी जोड़ते हैं और यहाँ पे आप बच्चों के एवरेज जो 50 में से 28 नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं उस 50 में से, ठीक है, तो आपका कट ऑफ जो है यहाँ पे आपका 65 हो गया, 5, 8 और 5 यहाँ पे 13, उसके बाद यहाँ पे हासिल एक लगा दे 6, 7, 8 और यहाँ पे कितना हो गया 9 नंबर, 93 तक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, यूआर में। तो काफी अगर बात करूं मैं यूआर में जो मैथ्स कैंडिडेट के बच्चे हैं उनके 92, 95, 97 ऐसे मार्क्स उनके देखने को मिले आउट ऑफ 130 में से। जी हाँ, आउट ऑफ 130 में से। अगर आप मैथ्स के हैं तो प्लीज आप कितने मार्क्स लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे सेव महसूस करने वाले हैं। आगे मैं भी कट ऑफ बताऊंगा आपको, पहले हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। जो बच्चे यहाँ पे देख लीजिए, जो बच्चे हिंदी का है, हिंदी का अगर बात करें, हिंदी में यहाँ पे यूआर की 9 वैकेंसी है जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं यहाँ पे टोटल बात करूँ, टोटल हिंदी में 20 वैकेंसी है। तो हिंदी का पेपर क्या आता है, इजी आया था, इतना भी ज्यादा टफ देखने को नहीं मिला था। हिंदी में संधि वगैरह यहाँ पे ठीक ठाक लेवल का पेपर आया था, सॉल्व करने लायक था यहाँ पे। तो 80 में से इन टाइप के जो हिंदी पढ़ाते हैं टीचर्स वगैरह हैं, जो यहाँ पे मैडम है हमारे इधर जो पढ़ाते हैं, उनके भी अच्छे मार्क्स यहाँ पे देखने को मिले, 65 तक यहाँ मार्क्स उनको भी देखने को मिल रहे हैं। एवरेजिंग की बात कर रहा हूं मैं, काफी काफी बच्चों को 70 तक मार्क्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है 80 में से, ठीक है। मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ 65, और वहां पे तो ये मान के चलिए आपके 50 में से अगर 25, 28, 30 मार्क्स भी अगर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सेफ है। क्योंकि इस बार देखिए आपकी जो नेगेटिव मार्किंग कितनी, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, पहली बात तो 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और पिछले साल के अगर मैं कट ऑफ की तुलना करूं यहाँ पे देख लीजिए, पिछले साल का कट ऑफ में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे,
पिछले साल का जनरल, पिछले साल का मैथ्स कट ऑफ कितना गया था, 109 गया था। क्यों गया था? इतना हाई जाने का चांस ये था क्योंकि पिछले साल आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, इस बार आपका कट ऑफ 130 में से बनेगा। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिए, ये कट ऑफ जो है आपका आपका ज्यादा में से बना था, नॉट आपका 130 में से बना था, इस बार आपका कट ऑफ 130 में से बनेगा। तो इस बार चांस ये कि आपके जो अगर मार्क्स, अगर आपके एग्रीगेट अगर बात करूं मैं, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, अगर आप 19 भी अपने हिसाब से थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर बताऊं हिंदी का और मैं मैथ्स का पेपर बात करूं तो पेपर का लेवल अच्छा आया था, इजी टाइप का, इजी टू मॉडरेट लेवल में पेपर यहाँ पे देखने को मिला है, तो बच्चों के अच्छे नंबर देखने को मिले हैं। अगर मैं टोटल कट ऑफ की अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो 90 से 95 के बीच आपका यूआर कट ऑफ ऐसा था, नेगेटिव मार्किंग कंसिडर किया है मैंने यहाँ पे, ये आउट ऑफ 130 में से, बच्चे मत समझ लेना 150 में से नहीं है, 130 में से 90 से 95 के बीच आपका यूआर कट ऑफ रह सकता है। ओबीसी जो है आपका 85 तक रहने की उम्मीद है, एससी 78 तक, एसटी जो है आपका 65 तक रहने की उम्मीद है आपकी। ठीक है, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे सेफ महसूस कर सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट, आप मान चलिए कोई आपका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, मुझे नहीं पता केमिस्ट्री का पेपर कैसा हुआ है बच्चों से, मुझे नहीं पता, अगर आपको पता आप जरूर बताया केमिस्ट्री का पेपर, मुझे नहीं पता कैसे पेपर आए यहाँ पे, लेकिन अगर आपके इस कट ऑफ से अगर मान चलिए 4-5 नंबर कम आ रहे, पेपर का लेवल आपका हार्ड था, तो कहीं ना कहीं समझ लीजिएगा जो आप पिछले साल से कट ऑफ आप देख रहे, जो पिछले साल का मैं आपको एक बार दोबारा कट ऑफ दिखाता हूँ, केमिस्ट्री का जो कट ऑफ देख सकते हैं 116 गया था। ठीक है, अगर इस बार पेपर आपका हार्ड हुआ है, नेगेटिव मार्क कंसिडर करते हैं, तो अपने हिसाब से कट ऑफ भी लगा सकते हैं, एग्रीगेटेड एवरेज कट ऑफ ऑफ आइडिया आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो कट ऑफ है आपका मैथ्स इंग्लिश जो पेपर है, जो आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है, उन टाइप का ये कट ऑफ है, 90-95 के बीच रहने की उम्मीद आपका रह सकता है जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो आई हो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, कौन सा कट ऑफ आपका कितने मार्क्स से बनने वाला है, क्वालिफाइंग नेचर क्या रहने वाला है, बच्चों के काफी डाउट्स थे, काफी ज्यादा कंफ्यूज थे, और YouTube में काफी टीचर्स मैंने देखा ही है वो कट ऑफ 150 में से बता रहे हैं, कोई बोल रहा है कि इसके मार्क्स जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, और आगे की जो आपकी